हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे नेपाल T20 सीरीज मैच की। ये मुकाबला नेपाल वर्सेस नीदरलैंड्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा। तो सबसे पहले बात करता हूँ प्लेइंग 11 की। नेपाल से आसिफ शेख, कुशल बॉडल, आरके बॉडल कैप्टन है नेपाल के, गुलशन झा, डी सिंह, कुशल मला, आरिफ शेख, सोमपाल कामी, केसी करण, प्रतीश जिया, अविनाश वोहरा। आप ये प्लेइंग 11 देख सकते हो जो कि नेपाल की तरफ से प्लेइंग 11 है। नेक्स्ट बात करता हूँ नीदरलैंड्स की तरफ से प्लेइंग 11 की। माइकल लेविट, मैक्सो दाउद, एस एंगल ब्राइश, स्कॉट एडवर्ड्स कैप्टन है नीदरलैंड्स के, नोक कॉइस, तेजा निजामरू, आर्यन दत्त, आर बी मर्फ, टी वी गुप्टन, विक्रमजीत सिंह, विवियन किंगमा। आप ये प्लेइंग 11 देख सकते हो जो कि नीदरलैंड्स की तरफ से प्लेइंग 11 है। बात करूं वेन्यू एंड पिच रिपोर्ट की तो आपको बता दूं ये मुकाबला 5 मार्च ट्यूसडे को सुबह 11:15 पर ये मुकाबला त्रिभुवन यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड नेपाल में ये मुकाबला खेला जाएगा। एंड यहाँ की पिच रिपोर्ट की बात करूँ तो आपको बता दूँ बैटिंग पिच है, टोटल यहाँ 19 मैचेस हुए हैं। बैटिंग पहले की है उन्होंने यहाँ पर 11 मुकाबले बॉन किए हैं। एंड जिन्होंने बॉलिंग पहले की है उन्होंने यहाँ पर 7 मुकाबले बॉन किए हैं। जो एवरेज स्कोर है इस पिच का वो 157 रहा है। बात करूँ वेदर रिपोर्ट की, यहाँ का जो टेम्परेचर रहने वाला अराउंड 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहने वाला है जिस दिन मैच होगा। मैच पर की बात करूँ उससे पहले बता दूँ इस मैच में 500 रुपये का फ्री गेम रखा गया है। तो अभी तक भी आपने पोस्टल 11 ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो आप जल्द से प्ले स्टोर पर जाइए, आप पोस्टल 11 सर्च करिए, आप वहाँ से पोस्टल 11 ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आप इस मैच की टीम क्रिएट करके आप अच्छा पैसा आप कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट रैंक लाते हो तो आपको 50 रुपये तक का फ्री गेम दिया जाएगा। बात करूँ ड्रीम 11 प्रेडिक्शन की तो आपको बता दूँ नेपाल जो कि गुड फॉर्म में है रिसेंट मैचेस में, इसके जीतने के चांसेस ज़्यादा बनेंगे। एंड टॉस प्रेडिक्शन की बात करूँ आज का टॉस से कौन जीत सकता है अकॉर्डिंग टू द पोस्टल 11 एक्सपर्ट टॉस प्रेडिक्शन, आज का टॉस है जो कि नेपाल टॉस जीत सकती है एंड पहले बॉलिंग करने का फैसला कर सकते हैं। मैच एक्सपर्ट वाइज की बात करूँ तो आपको बता दूँ दीपेंद्र सिंह को आप एज ए स्मॉल लीग में कैप्टन सेलेक्ट कर सकते हो एंड रोहित कुमार पौडल को आप एज ए कैप्टन अपनी ग्रैंड लीग टीम में ट्राई कर सकते हो। दोनों खिलाड़ी आपके लिए एज ए स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग आपके लिए बेस्ट कैप्टन चॉइस रहेंगे। बात करूँ एटवर्ड मुकाबले की तो आपको बता दूँ नेपाल जो कि 2 एटवर्ड मुकाबले बॉन किए हैं एंड वहीं नीदरलैंड्स 3 एटवर्ड मुकाबले बॉन किए हैं। एंड लाइव टेलीकास्ट आप फैन कोर्ट पर देख सकते हो। पॉइंट्स टेबल की बात करूँ तो आपको बता दूँ फर्स्ट नंबर पर नीदरलैंड्स है जो कि 4 मुकाबले में से 2 मुकाबले बॉन किए हैं एंड वहीं सेकंड नंबर पर नेपाल है जो कि 4 मुकाबले में से ये भी 2 मुकाबले बॉन किए हैं। एंड फैंटेसी टिप्स की बात करूँ तो टॉप ऑर्डर बैटर आप पिक जरूर करिए एंड डेथ ओवर वाले बॉलर जो बॉलिंग कराएं उनके लास्ट टाइम विकेट लेने के चांसेस ज़्यादा बनेंगे। विकेट कीपर में दोनों सही हैं एंड पिच जो कि पेसर और स्पिनर्स को इस पिच पर ज़्यादा एडवांटेज मिल सकता है। बात करूँ विनिंग प्रेडिक्शन की, नेपाल टीम ज़्यादा मजबूत दिखाई पड़ रही है एज अ नीदरलैंड्स टीम से, जो अपनी टीम में सबसे ज़्यादा प्लेयर नेपाल के आप पिक कर सकते हो। कुछ की प्लेयर्स जो कि नेपाल की तरफ से रहे जिनको अपनी टीम में जरूर सेलेक्ट करिए, कुशल बॉडल, आरके बॉडल, डी सिंह अच्छे ऑलराउंडर हैं अपनी टीम में उनको जरूर ट्राई करिए, कुशल मला, केसी करण, अविनाश बोहरा। आप ये मुख्य खिलाड़ी देख सकते हो जो कि नेपाल की तरफ से मुख्य खिलाड़ी रहे हैं। बात करूँ मुख्य खिलाड़ी जो कि नीदरलैंड्स की तरफ से रहे हैं, मैक्सो दाउद, एस एंगल ब्रैश, तेजा निदामरू, आर्यन दत्त, टी वी गुप्टन, विवियन किंगमा। आप ये की प्लेयर देख सकते हो जो कि नीदरलैंड्स की तरफ से मुख्य खिलाड़ी हैं जिनको अपनी टीम में जरूर ट्राई कर सकते हो। बेस्ट परफॉर्मर जो कि अभी तक नेपाल की तरफ से रही हैं आसिफ शेख, कुशल बॉडल, आरके बॉडल, गुलशन झा, डी सिंह। आप ये बेस्ट परफॉर्मर देख सकते हो जो कि नेपाल की तरफ से बेस्ट बॉलर रही हैं जिनको अपनी टीम में जरूर ट्राई कर सकते हो, ये प्लेयर आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। एंड बेस्ट परफॉर्मर जो कि अभी तक नीदरलैंड्स की तरफ से रहे हैं, माइकल लेविट, मैक्सो दाउद, एस एंगल ब्रेस्ट, स्कॉट एडवर्ड्स, नो कॉर्स। आप ये बेस्ट ओवर देख सकते हो नीदरलैंड्स की तरफ से बेस्ट ओवर रहे हैं। बात करूँ कैप्टन एंड वाइस कैप्टन चॉइस की तो आपको बता दूँ कुशल बॉडल को आप एज ए वाइस कैप्टन स्मॉल लीग टीम में सेलेक्ट कर सकते हो एंड आरके बॉडल को आप एज ए कैप्टन अपनी स्मॉल लीग टीम में जरूर ट्राई करिए, ये आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। कुशल मला एज ए वाइस कैप्टन अपनी ग्रैंड लीग टीम में उनको सेलेक्ट कर सकते हो एंड डी सिंह को एज ए कैप्टन अपनी ग्रैंड लीग टीम में जरूर ट्राई करिए, ये आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। बात करूँ इंजर्ड की, कोई भी इंजर्ड अपडेट नहीं आया। एंड अपनी फैंटेसी टीम की बात करूँ तो आपको बता दूं विकेट कीपर में आप आसिफ शेख को अपनी टीम में सेलेक्ट कर सकते हो, बैट्समैन में आरके बॉडल, कुशल बॉडल, एम लेविट को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, ऑलराउंडर में डी सिंह, मैक्सो दाउद, के मला एंड एस कामी को अपनी टीम में सेलेक्ट कर सकते हो, बॉलर में आर्बिटर
एडोट एंड जेजा को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करूँ, कैप्टन आप आर के पौल को अपनी टीम में बना सकते हो एंड वाइस कैप्टन डी सिंह को अपनी टीम में वाइस कैप्टन बना सकते हो। जो भी हमारा फाइनल अपडेट होगा एंड फाइनल टीम आपको लास्ट 30 मिनट में टेलीग्राम पर देखने के लिए मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई प्लीज़ वीडियो पर एक लाइक एंड एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए एंड आप चैनल पर पहली बार विजिट करो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना।